तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इम्पोर्टेंट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो सीरीज है। तो सबसे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का नोट्स एक्सेस करना है तो आज के आज अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं, लगभग 150 पेजेस का नोट्स जो है मैंने इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपने इन चीजों को देख लिया तो आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, ऑलरेडी सारी चीजें बनी हुई हैं, सारी चीजें ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप लोग एक बार चेकआउट कीजिएगा, सारी चीजें वहां से आपको पता लग जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 1 में आपको बेसिक जो कह सकते हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेसिक जो ग्रामर का रूल होता है वो सारे रूल इसके अंदर होते हैं। जैसे आर्टिकल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच जिसमें आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आता है, ये सारी जो टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग जो आपके करेक्शंस वाले सवाल होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करके जाने की जरूरत है। तो ये यूनिट नंबर 1 तो आपको करके जाने की जरूरत है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई हुई हैं। आपने आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, प्रीपोजिशन क्या होता है आपको पता होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये भी चीजें आपको पता होंगी। तो इसमें ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। यूनिट नंबर 1 को आप बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 तो आपको 100% करके जाने की जरूरत है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 बेसिकली आपका वोकैबुलरी बिल्डिंग एंड द कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग है, जिसमें आपको क्या रहेगा, जो भी सिनोनिम्स रहते हैं, एंटोनिम्स रहते हैं, और वो चीजें आपके अंदर यूज होती है, जैसे सुफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। तो ये भी टॉपिक ऑल दो आपको 100% करके जाना है, क्योंकि सुफिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वर्ड के पहले जो कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं और उस वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो आपकी चीज है। जैसे हैप्पी हो गया, हैप्पी के पहले अगर अन लग जाता है तो अन, और साथ ही साथ आपका जो सिनोनिम्स होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स के, वो सारे वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए, एंटोनिम्स भी आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम सॉल्व करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑल दो इस नोट्स में सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आप नोट्स को एक्सेस कर लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको उसके अंदर नहीं होगी। ओके, क्लियर हुआ। तो यूनिट नंबर 2 भी आपको 100% करके जाना है। यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 में कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगा जो कि आपको 100% करके जाना है, यही टॉपिक कम से कम आपको करके जाना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन का ये यूनिट है, यहां से आपका बेसिक इंग्लिश स्टार्ट होता है, जिसमें आपको क्या करके जाना है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी हाल में करके जाना है, क्योंकि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लेना है कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर और किस तरीके से हम लोग उसको ओवरकम करते हैं, यानी किस तरीके से उस बैरियर्स को हम लोग कम करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये दो टॉपिक मैंने इस यूनिट से लिए हैं, तो ये दोनों टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से कवर करके जाने की जरूरत है। ऑल्दो अगर आपके पास समय बचता है तो आप तीनों यूनिट को कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, फायदा आपके होगा, आपका जो ग्रेड होगा वो बढ़ेगा। उसके बाद आपका आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 बेसिकली आपका डेवलपिंग राइटिंग स्किल के अकॉर्डिंग है, यानी किस तरीके से आप लोग राइटिंग स्किल को डेवलप करते हैं, तो राइटिंग स्किल को डेवलप करने में आपका मेन योगदान रहता है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, किस तरीके से एक रिपोर्ट हम तैयार करते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से जो आपके रिपोर्ट्स होते हैं टेबल के, या फिर जो आपके लाइब्रेरी जो आपके लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया, वो सारी चीजें किस तरीके से तैयार होती हैं, इसका भी फॉर्मेट डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको करके जाने की जरूरत है, यानी आपका जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको आपको किसी भी हाल में करके जाने की जरूरत है। क्लियर हुआ, ये आपका यूनिट नंबर 4 का था। यूनिट नंबर 5 जो कि लास्ट है आपका, जिसमें आपका बेसिकली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड चीजें हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि लेटर हम किस तरीके से लिखते हैं, लेटर का बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि सारी चीजें इस नोट्स के अंदर आपको मेंशन की गई है, सारी चीजें बताई गई है। साथ ही साथ आपका एक रिज्यूमे किस तरीके से बनना चाहिए, रिज्यूमे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, साथ ही साथ आपका जो कंप्लेन होता है कंप्लेन हम किस तरीके से लिखते हैं, ईमेल हम किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑल दो ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताया अभी, और अगर आपके पास समय बचता है तो आप नोट्स को एक्सेस करके उन चीजों को पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।